बाद में तरे पर मरा ऋतुराज गायकवाड़ ने, 9 गेंदों में 5 डेवन बॉल हुए, 17 में 21 मोइन अली, 33 में 39 जगदीश दुबे का खाता खुला नहीं, धोनी के खाते में 10 गेंदों में 7 रन थे। इस पारी में वो गेंदे देखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो रन बने हैं वो बहुत धीमी गति से बने हैं। 120 गेंदों का खेल होता है, उसमें आपने बनाए 133, मात्र 6.65 रन प्रति ओवर। 2 विकेट मोहम्मद शामी, सेंसेशनल शामी, 1 जोजोब, 1 किशोर और 1 विकेट राशिद खान के खाते में। गेंदबाज सारे रहे कि किफायती रहने ही था, जब टीम चल रही है 6.5 रन प्रति ओवर तो फिर गेंदबाजों का दिल रहा है। सीजन का तीसरा शतक 7 से 1 तक खड़े रहे, स्ट्राइक से लेके विनिंग रन तक 67 की पारी, 57 गेंदों में शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या दोनों के विकेट गए। 19 वर्षीय टाटा आईपीएल डेब्यूटेंट मनीषा मकराना के नाम डेविड मिलर के 15 रन लास्ट प्ले मौजूद थे। दिनेश सुपरकिंग्स के लिए उस प्रकार का ये सीजन रहा है, गेंदबाजों ने कोशिश करी लेकिन उनपे रन थी नहीं बोर्ड पे। प्रशांत सोलंकी को उनका डेब्यू करते हुए देखा, एक नजर आने वाले कल पे महेंद्र सिंह धोनी की इस मुकाबले में। टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला था चेन्नई सुपर किंग्स का, बहुत सुस्त पारी खेली, तीसरा शतक ऋतुराज गायकवाड़ के बैट से, आखिरी 5 ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं और 134 के लक्ष्य उतना बड़ा नहीं था। गुजरात टाइटंस ने आसानी से इसको पूरा किया, 7 विकेट से मुकाबला जीत के टॉप 2 में अपनी जगह को पक्का किया।